खाते योजनारी वाइब्रंट समिटनो कांग्रेसना कार्यकरोए विरोध कर्यो छे। कांग्रेसनी महिला कार्यकर्ताओए राज्यभरमां थाली वेलण वगाडीने विरोध प्रदर्शन कर्यु। तेवी ज रीते गांधीनगरमां पण महात्मा मंदिरनी सामे कांग्रेसे देखावो कर्या। विरोध प्रदर्शन दरमियान कांग्रेसनी महिला कार्यकरो भारे आक्रोश साथे रस्ता पर सूई जता पोलीसे तमामनी अटकायत करी। आ दरमियान कांग्रेसना प्रदेश महामंत्री निशित व्यासे आक्षेप कर्यो छे के गुजरातमां आवा ताइफाओ बंद करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो रहा था जे जीवन प्रसारण तू लाइव हतो मुलायम सिंह अपने जणावी दीए समाजवादी पार्टी में चाली रहेलो विवाद हवे चरम सीमा पर पहुंची चुक्यो छे। त्यारे मुलायम सिंह जे विवाद चाली रह्यो छे तेनी ते अंगेनी स्पष्टता आ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपी होवानुं सामे आव्युं छे। और वैश्विक संविधान का बात निकालते हैं उनको अधिकतम का अधिकार नहीं। रामपाल बुलाया अधिकतम लखनऊ में जबकि हम उनको छह साल के लिए निकाल चुके हैं। तो निष्कासित जल को समाजवादी पार्टी नौ जनवरी का 2017 का जो अधिकतम बुलाया है अगर रामपाल जी ने वो खड़ी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हूँ। जो और सारी जो चर्चाएं हैं वे बुनियाद हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश और शिवपाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं जितनी बात मैं कहने आया मैंने कभी जानू के लिए माफ कर देना क्योंकि तरह तरह की बात तो हो रही थी कौन क्या है इसे मैंने आपको बता दिया है। फिर सुन लीजिए रामपाल को 30 दिसंबर 2016 को ही निष्कासित जल की संविधान कर दिया था। तो जल की संविधान के साथ निष्कासित जल के अधिवेशन का अधिकार नहीं है। अधिवेशन बनाया था 9 तारीख को जो अधिवेशन बनाया था वो निष्कासित व्यक्ति राजकीय अधिवेशन बनाने का अधिकार नहीं। रामपाल द्वारा 9 जनवरी 2017 को बनाया गया अधिवेशन फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। और सारी बातें मैं आपको कोई बातों की बात नहीं मैंने आपको पहले मैंने माफ बनाएंगे और जो बाद में की जाएगी उसके अलावा आज और की जाएगी क्या है इसलिए हमें माफ कर दिया। आप सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी बुलाएंगे बाद में हम सब बात जो इन्होंने संविधान अब हम तुम्हारा
छह वर्षों के लिए 30 दिसंबर 2017 को निष्कासन और तर्की संविधान के अनुसार निष्कासन संविधान के अनुसार निष्कासन जस्ट को अधिवेशन का अधिकार नहीं है जो अधिवेशन बनाया था। रामपाल द्वारा 9 जनवरी 2017 को बुलाया गया अधिवेशन फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मांग करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। मैं आज देखूंगा तो और मुझे कोई बात नहीं कहनी है। अरे कोई बात नहीं बस कहना, मैं आपको दोबारा बुला लूंगा, दोबारा बुलाऊंगा आपको, मैं दोबारा बुलाऊंगा। अभी मैंने करीब की पहले ही मैंने माफी मांगी, लेकिन चुनाव जाएंगे तथा समाजवादी पार्टी ना पूर्व राष्ट्रीय अपने जणाव्युं समाजवादी पार्टी ना सुप्रीमो मुलायम सिंह प्रेस कॉन्फरेंस ने तेमणे जणाव्युं के स्पष्टपणे आनी पहला जे अधिवेशन हतुं ते गैरबंधाणी हतुं। रामगोपाले जे अधिवेशन बोलाव्युं हतुं सत्तावार न होवानी बात मुलायम सिंह करी, रामगोपाल ने अधिवेशन बोलावानो अधिकार नथी तेवो पण तेमणे उच्चारण कर्युं अने हुं सपानो राष्ट्रीय अध्यक्ष छुं तेवी बात हवे मुलायम सिंह आ प्रेस कॉन्फरेंस मां करी छे। अने अखिलेश उत्तर प्रदेश ना मुख्यमंत्री छे। आ जाहेरातोथी हवे फरी आ विवाद मां एक नवो मोड आव्यो छे, कारण के आनी पहला जयरे अधिवेशन बोलावामां आव्युं, जयरे एलान करवामां आव्युं त्यारे अखिलेश ने पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावामां आव्या हता, परंतु हवे मुलायम सिंह कहे छे के तेओ राष्ट्रीय अध्यक्ष छे अने अखिलेश यादव ए उत्तर प्रदेशना मुख्यमंत्री छे। तो परिवारना झगड़ा पर स्पष्टीकरण आपता तेमणे अखिलेश ने फरी मुख्यमंत्री गणावी दीधा छे, परंतु आवनारा समयमां आ विवाद वधु वकरे तो नवाई नहीं। समाचार।